एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी दोस्त और होम सेफ खुशबू कनौजिया अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कैबेज से रिलेटेड एक रेसिपी बना रही हूँ, जिसे आप एक ही बैटर से सुबह और शाम का नाश्ता बना सक। आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है जो आपकी रेसिपी को और भी लाजवाब बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बंदा गोभी की रेसिपी। इसके लिए हम चावल लेंगे, चावल जो भोग वाला आता है वो वाला, इसे हम ओवरनाइट सोक कर लेंगे और हम इसे एक ग्राइंडर में घुमा लेंगे। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। इसे हम इतना चिकना पीसेंगे। आप यहाँ पे चावल का आटा का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे बॉन्डिंग नहीं आएगा। आप इसे बहुत ही चिकना पीसिएगा। आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे चम्मच पे फैलाइएगा और इसे हाथ से छुइएगा। अगर वो बहुत ही नर्म लगे तो हमारा पेस्ट बहुत ही चिकना है। अब हम कैबेज लेंगे, उसे पतला पतला स्लाइस में कट कर लेंगे। अब हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कैबेज में थोड़ा थोड़ा चावल का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे मसलते हुए मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसलते हुए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट और इसकी जान नमक समक। अब इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और मंगरेला ऐड करेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर तैयार है। अब हम सुबह का नाश्ता का तैयारी करते हैं। इसके लिए एक तवा लेंगे। तवा जब गर्म हो जाए तब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को चारों साइड से फैलाएंगे। लो को हमेशा धीमी रखिएगा। जब ऑयल से धुआं आने लगे तब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे और इसे हाथ से फैलाएंगे। इसे हम एक दो मिनट कुक करेंगे या फिर ये साइड से जब ये तावा छोड़ने लगे तब हम इसे पलट देंगे। इसकी दूसरी साइड को भी हम कुक करेंगे एक दो मिनट के लिए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब ये रेडी है, हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। हम
हमारा कैबेज का चीला तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम एक प्लेट पर ट्रांसफ़र करेंगे। और इसे रेड और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये ग्रीन और चटनी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सा रिंग ऑनियन और ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। हमारा कैबेज का चीला तैयार है खाने के लिए। अब हम उसी बैटर से शाम का नाश्ता की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तब हम उसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म है या नहीं, इसके लिए हम ऑयल में थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। जब वह बैटर ऊपर आ जाए तो हमारा ऑयल गर्म है। अब हम आँच को धीमी कर देंगे और उसमें पकौड़ा तल लेंगे। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम उसे पलट लेंगे। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो इसी तरह के कम बजट में बनने वाले टेस्टी खानों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा पकौड़ा रेडी है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से हम और भी पकौड़ा छान लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ऊपर से चाट मसाला ऐड करेंगे क्योंकि बच्चों को चाट मसाले बहुत पसंद आते हैं। इसे हम ग्रीन और रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमारा कैबेज का रेसिपी तैयार है। ये देखने में लग रहा है ना सुंदर, क्योंकि घर का जायका विद खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। आई होप आपको कैबेज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसी तरह की कम बजट में टेस्टी रेसिपी आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, तो बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल से मत जाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojiakhushbu122। मैं आपसे जाते जाते एक सवाल करती हूँ, इंडियन क्विजीन में कलर किस इंग्रेडिएंट से आता है? तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। अपना भारत, स्वच्छ भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।